नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। मैं प्रजन गोड़। इस वक्त हम खड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में, जहां पर मुख्य कार्यक्रम जो अब समाप्त हो चुके हैं। 2 तारीख से 19 तारीख तक चलने वाला सरस मेला जो अभी चल रहा है, आपको लेके चलते हैं स्टॉल नंबर 261 पर, जहाँ पर आपको लोगों की भीड़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। हाथ से बने जो टॉयज़ हैं, यहाँ पर 2 महिलाएं जो हैं यहाँ पर हाथ से बने हुए टॉयज़ बना रही हैं, यहाँ पर लोगों की भीड़ दिखाई देगी। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, क्या बताएंगे? हाँ, अपने स्टॉल के बारे में हम बताना चाहेंगे। हमको ये वाली स्टॉल में और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा है। और यहाँ क्या नाम है आपका? बिमलेश पवार। पूरे भारत में जो हमारे शिल्प बाजार लगते हैं, सबसे अच्छा शिल्प बाजार यही है, ब्रह्म सरोवर के किनारे कुरुक्षेत्र का। क्या क्या सामान है आपने पास? मेरे पास टोटल आइटम्स हैं, ये टेडी बियर का शेर है, चीते हैं, तुम्हारा कुशन है, कैट है, डॉग है, फ्रॉग है, और आजकल ये पेपा पिक चल रहे हैं, यूनिकॉर्न है। कहाँ से आए हैं आप लोग? ग्वालियर। ग्वालियर से आए हैं, तो लगभग कितना समय हो गया यहाँ आते हुए? 12 साल। 12 साल हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जो कोरोना काल के बाद एक बार फिर से मनाया जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जान आ गई शरीर में, जान आ गई है। तो मतलब 2 तारीख से ये गीता जयंती महोत्सव चल रहा है, अब क्या बताएंगे, कैसी सेल रही, कैसा रिस्पॉन्स रहा लोगों का? बहुत अच्छी सेल है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का, और इसको बढ़ा भी दिया। पहले 7 दिन का लगता था, फिर 12 दिन का हुआ, अब ये 17 दिन का कर दिया है। मैडम क्या बताएंगे आप जी, क्या बताएंगे, किस रेंज से अपने पास जी? हमारे यहाँ पे दस रुपए से लेके हमारे पास 3,000 तक के खिलौने भी हैं, और आपको सारे कार्टून कैरेक्टर भी मिल जाएंगे, और सारे हाथ से बनाए हुए खिलौने हैं। तो अंतिम रेंज कितनी बताई आपने? 10,000? 3,000। 3,000 का कौन सा टॉय है, दिखा सकते हैं जी? सभी अभी तो सब खत्म हो गया है, पर लेकिन अभी 1200 रुपए का हमारे पास वो एक ब्लैक डॉग। मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जी। हाँ, बस ये है कि यहाँ पे दोनों काम हो जाते हैं, हमारा धर्म भी हो जाता है, कर्म भी हो जाता है। तो आप लोग ये खुद ही बनाते हैं? जी हम बनाते हैं, और हमारे घर के बाजू में गरीब महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं, हम उनको काम सिखाते भी और काम देते भी हैं। कितना समय हो गया आपको ये काम करते हुए? मैं तो मम्मी के साथ ही हूँ, पैदा हुई उससे पहले मम्मी कर रहे हैं। अच्छा, तो कितना समय हो गया जी? मेरे को 33 साल हो गए। 33 साल हो गए जी। हाँ, आइडिया कहाँ से आया ये? ये आइडिया आया था जब ये कांच के अंदर होते थे, मेला घूमने गए थे, तब उधर देखा कांच में ये खिलौने हैं, तो छू भी नहीं सकते थे, फिर कब कैसे हाथ लगाए, तब शादी हुई तो बॉम्बे गए हस्बैंड के साथ, हस्बैंड नेवी में थे, तब वहीं जाके सीखा था पॉलिटेक्निक कॉलेज में। हाँ, फिर उसके बाद में ग्वालियर आए, तब सिखाने का काम चालू किया। कितने लोग आपके काम करते? 200 लोग काम करते हैं कंटिन्यू, और 3,000 लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। 3,000 लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। तो यहाँ हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। थैंक यू। नमस्कार मैम, क्या बताएंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं गीता जयंती में आके? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो ये दुकान लगी हुई है खिलौनों की, टॉयज की, सॉफ्ट टॉयज की, क्या बताएंगे, कैसे क्या कुछ खरीदा है आपने? नहीं, कुछ खरीदा है और कुछ खरीदने वाले हैं। कुछ खरीदा है बच्चों के, मतलब बच्चे एकदम जो है दुकान को देख से दौड़े चले जाते हैं, कैसा क्या कहेंगे? बच्चों के तो लिए कुछ तो बच्चों के लिए ही कमाते हैं, उन्हें दिलवाना भी पड़ता है जी, पर यहाँ पर रेंज ही कुछ ज़्यादा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। नमस्कार मैम, क्या बताएंगे, कोरोना पेंडेमिक के बाद एक बार फिर से गीता जयंती महोत्सव जो है, कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा। काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या कुछ देखा आपने, क्या कुछ खरीदा, शॉपिंग क्या की? अभी तो कुछ नहीं करी, अभी कर ही रहे हैं बस, अभी घूम रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि लोगों में एक उत्साह, एक उमंग गीता जयंती को देख लेकर मिल रहा है, आप यहाँ पर जो है स्टॉल नंबर 261 में ज़रूर आएँ, और यहाँ पर अपने बच्चों के लिए आपको हाथ से बने हुए टॉयज़ आपको मिलेंगे। खबरनामा हरियाणा के लिए कैमरा पर्सन शिवम कालरा के साथ प्रजय गौड़ की रिपोर्ट।